नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूँ प्रवीण कुमार केसरी जी के काव्य संग्रह से कुछ चुनिंदा रचनाएं, जो एक और आपको गुदगुदाएंगी, वहीं आपको सोचने पे मजबूर भी करेंगी। रोजमर्रा की जिंदगी से उठाई हुई ये कविताएं आपको जरूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कविता है लहू का लाल रंग। मेरे मित्र जो है चर्चित, वो है मूलतः कवि, दिखते हैं कभी कभी। एक दिन जब अचानक मिले, देखा कमल जैसे हैं खिले। पूछे बताओ क्या है तेरा हाल, बोले मेरी नई कविता पढ़े हो, नाम है लहू का रंग लाल। जादुई जनता पर इसका असर है, हिंसा चारों ओर आज आती नजर है। शांति जन जन की बन जाए पुकार, पाया है राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार। मैंने कहा बस एक सवाल, जीव मात्र का लहू होता है लाल। मित्र मुस्कुराए और फरमाए, तर्क तो है बिल्कुल सही, किंतु तुम शायद जानते नहीं कि जब भी होता है मजहबी जुनून, गिरता है धरा पर तब मानवीय खून। खून का कुछ नहीं मजहबी पहचान है, हिंदू सिख ईसाई और कौन मुसलमान है। मैंने कहा खून और एकता में काफी अंतर है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े गधे और घोड़े क्या आदमी के समानांतर है। देशद्रोही और अपराधी, शत्रु और आतंकवादी, सभी का खून होता है लाल, ठीक नहीं एकता के लिए ये मिसाल। विश्व के इतिहास में जितनी भी घटनाएं आई हैं प्रकाश में, उसमें कहीं नहीं हुआ खून से एकता। एक समान खून वाले ही एक दूजे पर रहा है गोला बम फेंकता। एकता हुआ है धर्म से, संस्कृति से, पूर्वजों की आदर्शमय कृति से, समानता और संतोष की नीति से, निश्चित मंजिल उद्देश्यों की रीति से। खून का लाल रंग कभी नहीं हो सकता एकता का आधार, इसके लिए चाहिए मानवीय प्रेम और सुसंस्कार। मानवीय प्रगति का एकता जरूर सूत्रधार है, परिवर्तन के स्वप्न को करता यह साकार है। लेकिन विश्व में शांति के लिए, शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए अस्तित्व है संघर्ष और सरकार का, जहां पे औचित्य है हरवे और हथियार का। दंगे होते हैं और जब भी होता है बवाल, तब सरकार करती है ये इस्तेमाल। जब रुकता है हिंसक जुनून, लेकिन बहता है जो इसमें खून, वो होता है लाल। इसलिए उचित नहीं इसकी मिसाल। लहू के लाल रंग के मायने होते हैं शून्य, रहस्यमय दुनिया में असंभव है निर्धारित करना पाप और पुण्य। रहस्यमय दुनिया में असंभव है निर्धारित करना पाप और पुण्य।